बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद, प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी एक बहुत ही अहम टॉपिक आज रेहान जो है मेरे पास लेके आए ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से। आपको पता है कि अल्लाह ताला जो है सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे ज़्यादा अच्छी तख्लीक करने वाला वही है, उसके अलावा कोई उससे बेहतर तख्लीक नहीं कर सकता। जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ बना दी है तो ज़ाहिर से बात है उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि ये ट्रांसजेंडर बिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लज्जतों को सुकून देने के लिए एक बिल मंजूर कराया गया है। बाकी इसका ताल्लुक किसी को बेनिफिट पहुंचाना या किसी की जो कमी है या किसी किस्म की जो ख़राबी है उसको दूर करना नहीं है। असल मकसद इस बिल का ये है कि अपनी लज्जतों को और अपनी जो गिलाज़तें हैं उनको पूरा करने के लिए ये बिल मंजूर कराया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान हम सबको इसकी शदीद मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, अगर हम इसको पाकिस्तानी होने के नाते भी अगर एक बात गौर करें तो हमारा मुल्क जो है वो तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये तो एक बिल ऐसा है कि जो अक्सर मग़रबी ममालिक के अंदर भी कई लोग हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं। तो हम बहैसियत मुसलमान ये बिल कैसे मंजूर करवा सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर पेश कर सकते हैं? फिर आज हम ये सोचते हैं कि ये जो हम पर आज़ाब और एक मुश्किल वक्त आया हुआ है कि शायद जो है ना वो उसकी एक बड़ी वजह, मैं ये समझता हूँ कि शायद हम वही हरकतें कर रहे हैं जो कौम लूत ने की थी। तो मेरे ख्याल में हम तो ख़ुद अपने लिए आज़ाब को जो है ना वो अब आज़ाब का रास्ता आसान कर रहे हैं। मैं बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी इस बिल की शदीद मुखालफत करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि हर एक जो समझदार और एक सच्चा मुसलमान है वो कभी भी ऐसी बिल की हिमायत नहीं करेगा। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।